दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा चीज जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे बहुत बार क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि किस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो देखने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिएगा तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक देना मत भूलिएगा। आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सवाल ये है कि टाटा नैनो का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टीयरिंग व्हील के सामने ना होके मिडिल में क्यों है? देखिए, इसका जवाब दो है। एक कि अगर आप नए ड्राइवर हो, आप रिसेंटली ड्राइविंग सीखे हो, तो आपके लिए अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सामने रहेगा आपको परेशानी होगा रोड में कंसंट्रेट करने के लिए। कारण ये है कि कभी कभार ड्राइविंग करने के वक्त अगर आपको MID में कुछ डिटेल्स देखना है, जैसे कि डिस्टेंस टू MT या इकोनॉमी कितना दे रहा है गाड़ी का, या ट्रिप मीटर को आपको टॉगल करना है, तो उसमें थोड़ा बहुत परेशानी हो जाता है। इवन डेट सेटिंग करने में भी परेशानी हो जाता है जब आप गाड़ी चलाते हो उसी वक्त। तो इसके लिए आपको गाड़ी को किसी जगह पे रोक के आपको ये चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है जो लोग नए नए गाड़ी चलाना सीखे हैं। जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, जिन लोग को यूज हो चुके हैं, उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नए ड्राइवर्स हैं उन लोग के लिए प्रॉब्लम होता है। सेकेंडली, आपको पता ही है कि टाटा नैनो एक बजट कार है, तो बजट कार का पॉलिसी वही होता है कि किस तरह से आप कॉस्ट को रिड्यूस करें। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को मिडिल में ना देके अगर स्टीयरिंग व्हील के सामने देते तो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान के लिए ठीक है, यहाँ पे हर कोई राइट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाता है। लेकिन अगर इस गाड़ी को बाहर के देश में, सपोज यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे गाड़ी को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे आपका लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, तो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग में फिर से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को राइट से लेके लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, कंपनी का एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो इस कॉस्ट को, इस चीज को मध्य रखते हुए कंपनी वालों ने डिसाइड किया है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को मिडिल में रखेंगे। तो इससे क्या होगा, जहां पर भी गाड़ी एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर राइट हैंड ड्राइव है या लेफ्ट हैंड ड्राइव है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को बियर नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज अभी ये फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आप देखो कि हाल ही में मारुति एक्सप्रेस रिलीज हुआ है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिडिल में है क्योंकि वो भी एक बजट कार है। उसके बाद टोयोटा का लीवो बोल के जो कार था, उसका भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिडिल में है। इवन टोयोटा यारिस, उसका भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिडिल में है। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रेंड विच नाउ कार मेकर्स आर फॉलोइंग। इवन आपका शेवरोले स्पार्क बोल के जो गाड़ी था, उसका भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिडिल में था। तो दिस इज द मेन रीजन क्यों टाटा नैनो का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिडिल में है। तो दोस्तों, कैसा रहा ये इन्फॉर्मेशन? आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिए। चैनल अगर अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियोस इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। टाटा।